पकोड़े वाली, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? पकोड़े वाले की जात में टेस्ट नहीं, उसका छोले कुलची जैसा बड़ा नाम। पकोड़े वाली, अगर तुमने मेरी चाट के बारे में एक और शब्द भी निकाला, बड़े बड़े ठेले और नाक में उंगली डालने से कोई चाट वाला नहीं बन जाता चाट वाली। नाक की खटाई और पाद की बदबू भी जरूरी है चाट वाली। सुन लिया महाराज, मेरे सामने इतने बदबूदार पाद रही है तो सोचिए आपके सामने कितना बदबूदार पाद आएगी। सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ चौधूपति। मेरा ठेला ग्राहकों से भरा हुआ था और ये पकौड़ी वाली भी वहाँ पर जलेबी खाने के लिए आ गई। आपके आने का समय हो गया था और मैंने उनसे बोला कि इस लाइन की जगह दूसरी लाइन से आए। चौधू, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी अटपाट कर रहे हो चौधू बली। पकौड़ी वाली को जलेबी वाली के साथ खड़ा करके ये सभा अपनी पहले ही अटपाट कर चुकी।